आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना जी, सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभवों, देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा आकांक्षा और अधिकारों के प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करता हूँ। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रही। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जो हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। ऐसे ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आज़ाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृतकाल की सिद्धि का रास्ता दो पटरी पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। कल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और सुजन, मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी
भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचा। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब दलित पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब व का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। मेरे इस निर्वाचन में पुरानी लीक से हटकर नई रास्ता पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। ऐसे प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। देवियों और स्वजन, मेरे सामने भारत के राष्ट्रपति पद की ऐसी महान विरासत है जिसने विश्व में भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का निरंतर मजबूत किया है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर श्री रामनाथ कोविंद जी तक अनेक विभूतियों ने इस पद को सुशोभित किया है। इस पद के साथ साथ देश ने इस महान परंपरा के प्रतिनिधित्व का दायित्व भी मुझे सौंपा है। संविधान के आलोक में मैं पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगी। मेरे लिए भारत के लोकतांत्रिक सांस्कृतिक आदर्श और सभी देशवासी हमेशा मेरे ऊर्जा के स्रोत रहेंगे। देवियों और स्वजन, हमारे संवैधानिक संग्राम में, स्वाधीनता संग्राम में एक राष्ट्र के तौर पर भारत की नई यात्रा की रूपरेखा तैयार की है। हमारा स्वाधीनता संग्राम उन संघर्षों और बलिदानों की अविरल धारा है जिसने आज़ाद भारत के लिए कितनी ही आदर्शों और संभावनाओं की सिंचा था। पूज्य बापू ने हमें स्वराज, स्वदेशी, स्वच्छता और सत्याग्रह द्वारा भारत के सांस्कृतिक आदर्शों की स्थापना का मार्ग दिखाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनत स्वाधीनता सेनानियों ने हमें राष्ट्र के स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की शिक्षा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई, रानी बेलू निचियार, रानी गाईदिनलू और रानी चेन्नीमा जैसे अनेकों वीरांगनाओं ने राष्ट्र इच्छा और राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका को नई ऊर्जा दी है। संथाल क्रांति, पाइक क्रांति से लेकर कोल क्रांति और भील क्रांति ने स्वतंत्रोत्तर संग्राम में आदिवासी योगदान को और सशक्त किया। सामाजिक उत्थान एवं देश प्रेम के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान से हमें प्रेरणा मिली थी। मुझे खुशी है कि आज़ादी की लड़ाई में जनजातीय समुदाय के योगदान को समर्पित अनेक म्यूजियम देश भर में बनवाया जा रहा है। देवियों और स्वजनों, एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में 75 वर्ष में भारत ने प्रगति के संकल्प को
सहभागिता एवं सर्वसम्मति से आगे बढ़ाया है। विविधताओं से भरे अपने देश में हम अनेक भाषा, धर्म, संप्रदाय, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाजों का अपनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सक्रिय है। आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर आया है अमृतकाल, भारत के लिए नए संकल्पों का कालखंड है। आज मैं इस नए युग के स्वागत में अपने देश को नई सोच के साथ तत्पर और तैयार देख रही हूँ। भारत और हर क्षेत्र में विकास का नया अध्याय जोड़ रहा है। कोरोना महामारी के वैश्विक संकट का सामना करने में भारत ने जिस तरह का सामर्थ्य दिखाया है, उसने पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाया है। हम हिंदुस्तानियों ने अपने प्रयासों से न सिर्फ इस वैश्विक चुनौती का सामना किया, बल्कि दुनिया के सामने नई मापदंड भी स्थापित की। कुछ दिन पहले भारत ने कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ डोज लगाने का कीर्तिमान बनाया। इस पूरी लड़ाई में भारत के लोगों ने जिस संयम, साहस और सहयोग का परिचय दिया, वो एक समाज के रूप में हमारी बढ़ती हुई शक्ति और संवेदनशीलता का प्रतीक है। भारत ने इन मुश्किल हालात में न केवल खुद को संभाला, बल्कि दुनिया की मदद भी की। कोरोना महामारी से बने माहौल में आज दुनिया भारत को नए विश्वास से देख रही है। दुनिया की आर्थिक स्थिरता के लिए, सप्लाई चेन की सुगमता के लिए और वैश्विक शांति के लिए दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। आगामी महीनों में भारत अपनी अध्यक्षता में G20 ग्रुप की मेजबानी भी करने जा रही है। इसमें दुनिया के 20 बड़े देश भारत की अध्यक्षता में वैश्विक विषयों पर मंथन करेंगे। मुझे विश्वास है भारत में होने वाले इस मंथन से जो निष्कर्ष और नीतियां निर्धारित होंगे, उनसे आने वाले दशकों की दिशा तय होगी। देवियों और स्वजनों, दशकों पहले मुझे रायरामपुर में श्री अरविंद इंटीग्रल स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था। कुछ ही दिनों के बाद श्री अरविंद जी की 150वीं जन्म जयंती मनाई जाएगी। शिक्षा के बारे में श्री अरविंद के विचारों ने मुझे निरंतर प्रेरित किया है। जन प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए और फिर राज्यपाल के रूप में भी मेरा शिक्षण संस्थानों के साथ सक्रिय जुड़ाव रहा है। मैंने देश के युवाओं के उत्साह और आत्मबल को करीब से देखा है। हम सभी के श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि देश के युवा जब आगे बढ़ते हैं तो वे सिर्फ अपने ही भाग्य नहीं बनाते, बल्कि देश का भी भाग्य बनाते हैं। आज हम इसे सोच होते देख रहे हैं। वोकल फॉर लोकल से लेकर डिजिटल इंडिया तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा आज का भारत, विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर औद्योगिक क्रांति 4.0 के लिए पूरी तरह भारत तैयार है। रिकॉर्ड संख्या में बन रहे स्टार्टअप्स में, नए नए इनोवेशंस में, दूर सुदूर क्षेत्रों में डिजिटल टेक्नोलॉजी की स्वीकार्यता में भारत के युवाओं की बड़ी भूमिका है। बीती वर्ष में भारत ने जिस तरह महिला सशक्तिकरण के लिए निर्णय लिए हैं, नीतियां बनाई गई है, इससे भी देश में एक नई शक्ति का संचार हुआ है। मैं चाहती हूं कि हमारी सभी बहनें व बेटियां अधिक से अधिक सशक्त हो तथा वे देश के हर क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाती रहें।
मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहती हूँ कि आप ना केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं बल्कि भविष्य के भारत की नींव भी रख रहे हैं। देश के राष्ट्रपति के तौर पर मेरा हमेशा आपको पूरा सहयोग रहेगा। देवियों और सूर्य, विकास और प्रगतिशीलता का अर्थ निरंतर आगे बढ़ना होता है, लेकिन साथ ही अपने अतीत का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। आज जो विश्व सस्टेनेबल प्लानेट की बात कर रहे हैं तो उसमें भारत की प्राचीन परंपराओं, हमारे अतीत की सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की भूमिका और बढ़ जाती है। मेरा जन्म तो उस जनजातीय परंपरा से हुआ है जिसने हजारों वर्ष से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाया है। मैंने जंगल और जलाशयों के महत्व को अपने जीवन में महसूस किया है। हम प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही श्रद्धा से प्रकृति से सेवा भी करते हैं। यहाँ संवेदनशीलता का आज वैश्विक अनिवार्यता बन गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शक बन रहा है। देवियों और स्वजन, मैंने अपने अब तक के जीवन में जन सेवा में ही जीवन की सार्थकता को अनुभव किया है। श्री जगन्नाथ क्षेत्र के एक प्रख्यात कवि भीम भोई जी की कविता की एक पंक्ति है, मो जीवन पचे नर के पड़ी था उस जगत उद्धार। अर्थात अपने जीवन के हित और हित से बड़ा जगत कल्याण के लिए कार्य करना होता है। जगत कल्याण की इसी भावना के साथ मैं आप सब के विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा व लगन से काम करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। आइए हम सभी एकजुट होकर समर्पित भाव से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े तथा वैभवशाली व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय जय।